हेलो दोस्तों, एस के यूनानी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के यूनानी पर। आज हम एक और अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है लोक सभ्यता खैर समरी कंपनी के भारत के तो रेक्स कंपनी द्वारा बनाए प्रोडक्ट है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यह कंपनी बनाती है और कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 200 ग्राम दवाई का इस्तेमाल किया है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने 200 ग्राम दवाई का इस्तेमाल किया है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और इस 200 ग्राम की हम कीमत की बात करें तो 105 रुपये कंपनी ने इसकी दी हुई है। और इसके साथ साथ टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी भी कंपनी ने अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर दी हुई है। जी हाँ दोस्तों, टोल फ्री का फ़ायदा ये होता है कि आप इस नंबर पर कॉल करके किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि रेक्स कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उसके माध्यम से कोई भी जानकारी इस नंबर से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं अब इसके फॉर्मूले के बारे में, कंपनी ने जो यह प्रोडक्ट तैयार किया है, कंपनी ने क्या क्या फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों कंपनी ने इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फॉर्मूले से इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। जैसे कि मैं कुछ फॉर्मूला जो कंपनी ने इसमें दिया है आपको बता देता हूँ। जैसे कि कंपनी ने इसमें तुखम खतमी, सपिस्ता, सना मक्की, शक्कर सुर्ख, शक्कर सफ़ेद और उन्नाव जी हैं दोस्तों, कुछ ये जो फॉर्मूले हैं कंपनी ने इसमें दिए हैं जिसके सहायता से इस प्रोडक्ट को तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों अब इस प्रोडक्ट का आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है और किस तरीके से इसका सेवन करना है और किन किन चीज़ों का परहेज करना है, इन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो पर बने रहें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एस के यूनानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों जान लेते हैं लोक सभ्यता खैर समरी के फ़ायदे के बारे में। यह दवाई एक क्लासिकल मेडिसिन है और सभी कंपनियां इस दवाई को बनाती हैं, जैसे कि शमा, देलवी, हमदर्द और रेक्स आदि कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाती हैं। यह दवाई काफ़ी ही मर्जों में काम करती है, जैसे सर्दी, खांसी, नज़ला, कफ, बलगम की शिकायत, ज़्यादा धूम्रपान की वजह से सीने में दर्द। जी हाँ दोस्तों, सीने में दर्द हो जाता है, जैसे कि कफ होने की वजह से सीने में दर्द, जकड़न से महसूस होना और काफ़ी ही सीने में बलगम जम जाता है, गले में खराश रहती है, पुराने से पुराने नज़ले में बहुत ही अच्छा काम करती है दवाई। काली खांसी, जी हाँ दोस्तों, अगर काली खांसी की परेशानी और सीने में अधिक बलगम जमने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, नमूनिया की जैसी हालत हो गई है, इन सभी मर्जों में बहुत ही अच्छा काम करती है यह दवाई। यह दवाई कफ को पतला कर, जी हाँ दोस्तों, जो बलगम होता है सीने में, जो बलगम जम जाता है उसको उसकी मात्रा को पतला करके ये बाहर निकालने में सहायता करती है और पुराने से पुराने खांसी और पुराने से पुराने नज़ले में बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों यह बलगम की जो अधिकता रहती है जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो दोस्तों उन सभी मर्जों में बहुत ही अच्छा काम करती है, और कफ को बाहर निकाल कर सांस को ठीक करती है। जी हाँ दोस्तों, बलगम की वजह से कई बार ऐसा होता है कि सांस लेने में काफ़ी ही कठिनाइयाँ होती हैं, तो दोस्तों ये बलगम को साफ कर आपको राहत देती है। अब जान लेते हैं इसके खाने के बारे में, आपको किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। यह आपको सुबह शाम, जी हाँ दोस्तों, एक चम्मच गर्म पानी के साथ सेवन करनी है और इस दवाई के दौरान आपको कोई भी तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी तली भुनी चीज़ें इस दवाई के ऊपर नहीं लेनी है और दूध वगैरह का भी आपको सेवन नहीं करना है। दोस्तों ज़्यादातर आप इस दवाई को गुनगुने पानी से ही ले, आपको एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को सोते वक्त आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना है और कुछ ही दिनों के बाद आपको, जी हाँ दोस्तों, ये दवाई अगर आप ले रहे हैं और कुछ ही दिनों के बाद आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में एक और अच्छे प्रोडक्ट के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल एस के यूनानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।